नमस्कार। सोयाबीन में कुछ खेत ऐसे हैं जिसमें खरपतवार नाशी का स्प्रे कर दिया है, उसके बावजूद खरपतवार कंट्रोल ठीक से नहीं हुआ है। उसमें कुछ खास खरपतवारों की समस्या हो सकती है, हो सकता है उसमें मोथा की प्रॉब्लम हो सकता है जिसमें बोकना बोकनी आप बोलते हो साइनोटिस उसकी प्रॉब्लम हो सकता है उसमें खारिया घास बोलते हो डायनेब्रा की प्रॉब्लम हो, या जैसे उसमें मुर्गा घास सफ़ेद मुर्गा घास सिलोसिया की प्रॉब्लम हो और वो कंट्रोल नहीं हो रहा। पहला स्प्रे कर दिया, सोयाबीन अब 35 दिन की है, किसी के 40 दिन की है, फूल के आसपास सोयाबीन चल रही है। अब हम चाह रहे हैं कि वो खरपतवार एकदम से ख़त्म हो जाए, तो ऐसा कोई दवाई नहीं है जो उस खरपतवार को एकदम से ख़त्म कर दे। खासकर जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं या साइनोटिस है आपका बोकना बोकनी बोलो या कोई ऐसा कोई जिदी खरपतवार है कि उसको हम अब स्प्रे करें और वो कंट्रोल हो जाए और सोयाबीन हमारी एकदम ठीक हो जाए। देखिए बॉस, प्रैक्टिकल बात ये है कि कुछ खेतों में ऐसी परिस्थितियां हैं कि मान लो कि परिस्थिति वंश हम सही समय पे हमसे स्प्रे ना हुआ हो, हमने प्री इमरजेंस दवा का स्प्रे नहीं किया हो, खेत हमारा बिगड़ा हुआ हो, या हमने बुआई के पहले बारिश होते ही सोयाबीन बुआई कर दी और एक दो हकाई होनी थी वो नहीं हुई। किसी भी वजह से ऐसी परिस्थिति ऐसे खरपतवार की समस्या हो सकती है, या वो खेत में बहुत ज़्यादा खरपतवार का बीज पूर्व में रहा होगा। यदि ऐसा है चौड़ी पत्ती के कोई जिदी खरपतवार है तो इस स्टेज में खरपतवार नाशी दवा का स्प्रे करके आप अपनी सोयाबीन को नुकसान कर सकते हो, जल सकती है और अगले 7-10 दिन में ये समस्या बहुत ज़्यादा आने वाली है। तो इसलिए प्लीज़ सतर्क रहें। जहाँ सकड़ी पत्ती का खरपतवार है उनमें जैसे कोई ये क्लेथोडियम सेंचुरियन कर रहा है, केंजनोरा कर रहा है, कोई पहले झील करते थे आजकल ये करने लग गए, इनके रिजल्ट भी सकड़ी पत्ती में सोयाबीन पे भी बहुत निगेटिव नहीं आता, वो चलने लायक बात है। लेकिन उसमें भी कोई अनुशंसा नहीं है, ना कंपनी उसमें लेबल क्लेम करती है कि भाई इतने दिन की सोयाबीन में इसमें ये स्प्रे कर सकते हो, पर वो चल रहा है, हम कर रहे हैं, खैर कोई आर्थिक नुकसान नहीं हो रहा। पर जो चौड़ी पत्ती के इस टाइप के जिदी खरपतवार हैं उसके लिए आप सोचें कि मैं अब आयरिस मिला दूँ, पटेला मिला दूँ या इमिजा मिला दूँ, वो फ्यूजीफ्लेक्स मिला दूँ, वो क्लोबिन की डब्बी मिला दूँ, तो यदि अब आप ऐसी कोई भी चीज़ करेंगे तो आपकी सोयाबीन को नुकसान तय है। इसलिए यदि ऐसी समस्या में हम फंसे हुए हैं तो बेहतर ये होगा कि हम उसको लेबर लगा के या हम खुद लग के उस खरपतवार को निकाल लें। सकड़ी पत्ती के बारे में तो भाई चलो विचार किया जा सकता है, लेकिन इस टाइप के जिद्दी खरपतवार है तो आप सोयाबीन निपटा सकते हो। एक चीज़ यहाँ अलर्ट रहने की ज़रूरत है आपको। दूसरा, आपके आसपास मक्का या धान का खेत है वहाँ खरपतवार नाशी का स्प्रे हो रहा है तो आप एक बार उस काश्तकार से, अपने पड़ोसी काश्तकार से ज़रूर मिलिए कि भाई सोयाबीन है मेरा ख्याल रखना, क्योंकि जैसे इन मक्का में भी बहुत अच्छे अच्छे मॉलिक्यूल हैं हर्बिसाइड के, धान में भी इतने अच्छे मॉलिक्यूल हैं कि एक बार सोयाबीन पे उसका असर आ गया, ड्रिफ्ट आ गई, तो वो सोयाबीन रिकवर नहीं करेगी, क्योंकि इतना उनका अच्छा मतलब फास्टर एक्शन है कि वो सोयाबीन को लेके ही चले जाएं। तो आपके आधे बीघा की भी सोयाबीन गई तो मतलब 5-7 हज़ार रुपये का फालतू ही नुकसान है। तो एक बार अगले से कंसर्न कर लें, क्योंकि वो काश्तकार भी सोचता है कि मैं मेड के पास भी जगह न छोड़ूँ, हवा चल रही इस टाइम हवा भी चलती रहती है तो ड्रिफ्ट से भी आपको नुकसान हो सकता है। तो दोनों एंगल पर आप काम करेंगे, एक कि आप बड़ा खरपतवार हो गया है तो खुद उसमें डॉक्टर ना बने और वो नहीं जाएगा, यदि चौड़ी पत्ती का या कोई जिदी खरपतवार है, सकड़ी पत्ती वाला फिर भी चला जाएगा, और दूसरा आपका पड़ोस में यदि मक्का और धान का खेत है तो भी आप थोड़ा सतर्क रहें। उम्मीद करता हूँ मैं कुछ क्लियरिटी आपको दे पाया। नमस्कार, जय हिंद।